ये लो अबरार भाई, हकीम साहब ने दिए। खाए हर खाने से पहले एक पुड़िया फाक लेना। अबे यहाँ कल से एक बुरकी नहीं गई मुंह में, तो पुड़िया फाकने का कह रहा है। किस बावले हकीम के पास गया था? अबरार भाई तुमने कल से इफ्तार नहीं की, ना दोपहर का खाना खाया, ना रात का, ना समोसे, ना पकोड़े, यानी कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है रमजान में लोगों का खाना आधा रह जाता है और तुम्हारा चार गुना ज्यादा बढ़ जाता है, बस वही हिसाब लगा रहा था। हैर जा तू, नवाले गिन रहे मेरे। अबरार भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ, वो बंदा जो एक रोजा नहीं रख सकता वो कल से भूखा है। इस बार अल्लाह ताला ने तुम्हें बुद्धि से पकड़ लिया है। सूप बना दूं आपके लिए? मटन की यखनी? वैसे आपको मुर्गी पसंद नहीं है, लेकिन देसी मुर्गी की यखनी ना इस हालत में बेहतरीन रहती है। क्या दिल चाह रहा है आपका? जहर ला दो मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ तुम लोग अकेला छोड़ दो मुझे। आप कब से इस हकीम से इलाज करवा रहे हैं? कुछ हो तो रहा नहीं है, मेरी माने और स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और देर ना कीजिए। तुम्हें लगता है मुझे भी वही हो गया? क्या? कैंसर। नाउज़ुबिल्ला, लाहौल पड़े लाहौल। अच्छी बातें करें, अच्छी बातें सोचें तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। हम सब मुकद्दर के ताबे हैं, मुकद्दर हमारा ताबे नहीं है, लेकिन बेहतरीन इलाज की तो हिदायत दी गई है ना, तो बस अल्लाह पे छोड़ दें आप। अब्बा अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप चाहे जाके डॉक्टर को दिखाएं, हम दुआ करेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ बताएं ना, मैं बच जाऊंगा ना? जी जी, देखें आपका यूएला बुरी तरह मुतासिर हुआ है। या यूएला? कौवा, गले का कौवा। जब हम कुछ खुराक को निगलने की कोशिश करते हैं तो यूएला पीछे हटके सांस की नाली को ढांप लेता है, ताकि खुराक के कुछ जरा सांस की नाली में जाके मुश्किलात का सबब ना बने। क्या खूबसूरत निजाम है मेरे रब का। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे कब्बे को क्या हुआ है? यूवेला पे सूजन है, जिसकी वजह से आपको खुराक हजम करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक कैसे होगा? ड्रिप के जरिए खुराक की कमी पूरी करना होगी। मैं समझता हूँ खुराक की कमी किसी दवाई, किसी सप्लीमेंट से पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए खुराक को मुतवाजन तरीके से इस्तेमाल करने का बताया गया है। मैं आपको एडमिट करने का मशवरा तो नहीं दूंगा, मैं कुछ ड्रिप लिख के दे रहा हूँ जी, ये घर पे लगवा लीजिएगा, 3 दिन बाद आके मुझे फिर दिखाइएगा। मरीज हो गया, एक जरा सी चोट लगी ही नहीं और सिसके जारी हो गई। आयुष मत हो, जहां रुकावट होती है वहीं से रास्ते निकलते हैं। बहुत तकलीफ में हूं, ना दिन में चैन है ना रात। उसका बन जा जो हमेशा से तेरा है, याद रख गुनाह की उम्र तौबा तक है। हक अल्लाह।